हाँ वो दो तीन पॉइंट पे इंसिस्ट है, ठीक है। एक है कि उसको आप लोगों का साउंड नहीं दे रहा हूँ, मतलब काट रहा हूँ, केवल मेरा जब ये बहू का डिमांड है कि मुझे गाड़ी चलाना है, और उस आपका समधी या आपका बेटा का ससुर का डिमांड है कि गाड़ी चलाना है, घर में नहीं बैठना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, दो रास्ता है, फोर्सफुली आपका बात को मनवाना है, या फिर आप वो जो चाह रही है वो करना है। यहाँ एक परिवार के लिए और एक मैच्योर्ड सास ससुर और माता पिता के लिए मछली पकड़ने वाला खेल सीखना पड़ेगा। जैसे स्टिक में मछली पकड़ते हैं ना, तो बड़ा मछली पड़े खींच दो तो तार टूट जाता है, इतना कॉस्टली डंडा भी टूट जाता है, और ज़्यादा बड़ा मछली हो तो आदमी को भी खींच के ले जाए, उल्टा पानी में डुबा दे, बड़ा बात नहीं है। तो क्या करते हैं ना, मछली को थकाते हैं, पहले आगे छोड़ो, फिर पीछे खींचो, फिर आगे छोड़ो, फिर पीछे खींचो, ये फिशिंग का टेक्नोलॉजी है। लाइफ में भी ऐसा ही धंधा है, नया है, नया एटमॉस्फेयर है, नया घर है, एक अपना माता पिता का घर छोड़ के एक ससुराल पे आई, एक न्यू रूल एंड रेगुलेशन, नया आदमी, नया कॉम्बिनेशन, नया लाइफस्टाइल, कोई भी इतना जल्दी सूटअप नहीं कर सकता। अब दो रास्ते हैं, मुझे कुत्ता का पूछ सीधा करना है, मुझे भी पता कभी सुधर सीधा होएगा नहीं, लेकिन पालतू तो बनाना है, पालतू तो बनाना है, नहीं बना पाया तो मेरा हार है। सिस्टम को अपने स्टाइल पे नहीं ले पाया, या अपने जैसे मैं चाहता हूँ उस पे नहीं ढाल पाया, तो मेरा कमी है, मुझे उसके लिए वो ट्रेनिंग सिस्टम पे जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके पीछे पूरा सोशली सबको ही जिम्मेदार हैं, आप दोषी नहीं हो, या आपके घर के साथ ऐसा हो रहा नहीं हो रहा है, हर घर में ये होते, कुछ लोग दबा के चले जाते हैं, कुछ लोग हाँ बोले ठीक है चलो जो करना है कर लो। आप अपने ससुर, मैं देखा हूँ आपका ससुर जी थे, सेवा करते थे, पानी ला के देते थे, उनको मानते थे, जी बोलते थे, लेकिन कल आप दूसरे से, और आज का डेट का ये, उस समय व्हाट्सएप फेसबुक और वो जमाना इंटरनेट वाला जमाना नहीं था, आज एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो उस हिसाब में हमें भी ये जनरेशन गैप को सेटलमेंट करके चलना पड़ेगा, मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और लेके चलना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं करें। अब प्रश्न उत्तर आते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे। आप दोनों उत्तर को सोच के देखिए एक बार, हम बोलेंगे तू गाड़ी नहीं चलाएगी, हम बोलेंगे तू बाहर नहीं घूमेगी, हम बोलेंगे तू एक्सरसाइज नहीं करेगी या करेगी, ये मेरा फोर्स है, ठीक है मत करो, कुछ दिन भोग लो, और धीरे 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 समझा के बुझा के, तो उस जंगल का शेर को भी सर्कस में आके सर्कस दिखाया जाता है, इसके लिए भी पेशेंस चाहिए, और आप जो चाहते हो उसको कार्यान्वित करने के लिए भी पेशेंस चाहिए। क्योंकि बहू अगर यहाँ रहती तो फिर वो अलग बात था कि आप किसी भी सर्कमस्टांसेस पे समझा बुझा के आगे चले जाते, नहीं है। अब क्या है ना, जब घर से बाहर चले जाती है ना, तो उसके पास उसका माता पिता, उसका दोस्त, और भी कई सारे उन्हीं के दोस्त रूप में रहने वाले एनिमी जो दिखाते हैं डिप्लोमेसी में, उसका दिमाग में और ज़्यादा मसला भर देता है और बात और बिगड़ता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमें क्या बोलना होगा, आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, उन्हें आने दीजिए, एक मीटिंग होगा, एक मीटिंग में सब कुछ फाइनल हो गया क्या, ये कोर्ट का पेशगी चल रहा है। हाँ लीजिए, तो आपको रखना ही पड़ेगा, शादी किए हैं कुछ तो हम लोग सोचेंगे, वो चार चीज पूछेंगे, एक दो तीन चार चीज करेंगे, हम लोग को चारों चीज के प्रिपेयर रहना चाहिए। हाँ, ये तो केवल होप मात्र है आपका कि ये हो सकता है। हाँ जी, बेसिकली इससे कुछ अलग भी हो सकता है। हाँ। तो जो अभी तक हम लोग बैठे नहीं, बात सामने आया नहीं, तब तक आप किसी भी डिसीजन पे कंक्रीट पे नहीं जाएं। नहीं, कंक्रीट में तो नहीं जा रहे। हाँ। हम लोग चार ऑप्शन देख रहे हैं कि ये एक बोल सकते कि हम लोग फिर बात करेंगे लड़की के बिना आए। हाँ। तो बोलेंगे तो हाँ ठीक है, थोड़ी देर और टाइम दे दीजिए उनको, ठीक है जी, झूठ बोलती थी
बोलती है गलत है, है तो है। अब कहाँ से लेके आ जाएंगे 100% प्योर गोल्ड, उसमें तो मिलाया गया होगा, नेचर ऑफ लॉ है। तो इसे और भी टाइम दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप डिवाइड भी कर रहे हो ना, तो वो भी कंक्रीट सोच समझ के पूरे वेट के साथ, उसमें वजन होना चाहिए, पछतावा नहीं हो। क्योंकि कभी कभी इसमें भी पछतावा होता है, क्योंकि अभी तो ह्यूम है, अभी तो अंदर फ्यूम है, और आप उठ के ले लिए डिसीजन जोश जोश में, क्योंकि अच्छा नहीं लगा, मन खराब बोला, लोग ऐसे बोल रहे हैं, बाद में उसका रिवर्स एक्शन भी आपके ऊपर पड़ेगा। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, प्रत्येक एक्शन का एक इमीडिएट इफेक्ट आता है, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है। उस तक हमारा दृष्टि नहीं जाता है, खाली संजय का जाता है, गीता में है ना, तो वो क्योंकि वो देख सकता है, ठीक है। तो इसलिए इन डिसीजन को भी, ये बच्चों का खेल नहीं है, जैसे टोटल एक व्यक्ति का जीवन का अंदर और बाहर का खेल है। आप ये अगर ये बोल दें मुंह से कि नहीं मेरे पास कोई प्यार का इफेक्ट नहीं है, उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, इस पल नहीं है। शनिदेव का तो यही खेल है, पहला तो स्पाउस के हाउस को ही मारता है, वो मन में वो क्या, मैं अगर शादी किया हूँ मेरे हाउस पे शनि आए होंगे तो डायरेक्ट सेवेंथ एस्पेक्ट पे मेरे स्पाउस का हाउस को नहीं देखते हैं, तो मेरे हस्बैंड, हम हस्बैंड और वाइफ के अंदर क्या इस प्रकार का बिछड़ाव भाव, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया होगा, सबके जीवन पे आता है, और इससे भी बुरा घटना घटता है किसी किसी के जीवन पे। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि हैव पेशेंस, कीप क्वाइट, बी मॉम, और उनको एक बार टेबल में आने दीजिए, उससे पहले आप कुछ भी मत सोचिए, आप कोई भी डिसीजन मत बनाइए, छोड़ देंगे, रख देंगे, वकील लेके आएगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, गाड़ी चलाने के लिए, स्कूटी चलाने के लिए बोलेंगे, हम कार दे देंगे, हम एरोप्लेन में जाओ बोलने से वो चल के जाएंगे बोलेंगे, अरे ये सब छोटा छोटा मैटर है, यहाँ तो लाइफ एंड यू नो सोल एंड हार्ट एंड बॉडी एंड लाइफ का मैटर है, यहाँ दो एक घर का बैठाने का मैटर है। मैंने बहुत सारे बोलते कब तक डिवोर्स हो जाएगा, थोड़ा महाराज देख के बोले, मैंने फेंक के फाड़ दूंगा, गेट आउट यहाँ से, घर तोड़ने के लिए ज्योतिषी कर रहा हूँ क्या, मिलाने के लिए कर रहा हूँ। हर व्यक्ति इंसानी है, मिट्टी का पुतला है ये शरीर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, पूरा जलाएंगे 12% निकलेगा मिट्टी, बाकी तो पानी है, स्पेस में चला जाएगा। तो इसको थोड़ा स्पिरिचुअल डायमेंशन में लेके जाना है, और मुझे अगर डेपुट किया है आपके घर में शनिदेव, तो यही है मैं आपको संभाल लूँ, और आप जब तक टेबल पे नहीं बैठते हो, दोनों पक्ष बातचीत नहीं होता है, मिलते नहीं हो, एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं बनता है, संपर्क और संबंध नहीं बनता है, तब तक आप प्लीज़ किसी के लाइफ के बारे में आपको खराब लगा बोल के आप निर्णय मत लो, क्योंकि आपका निर्णय कुछ भी हो जाए उसका निर्णय बड़ा खतरनाक होता है, उसका निर्णय बड़ा खतरनाक। और जब कहीं शनिदेव भाग्य के घर को देख लेंगे ना, उस दिन भाग्य पे तो एक बीवी नहीं, चार चार बीवी आके खड़े हो जाते हैं, मैं देखा हूँ जिंदगी में चार चार बीवी, एक नहीं चार बीवी खड़ा होते हैं, और वो आउट ऑफ कंट्रोल एवरीथिंग, और ऐसे मैटर भी सॉल्व हो जाते हैं कई सारे। प्लीज़ आप बार बार कह रहा हूँ, 20 तारीख हो गया कल, अभी अच्छा चलेगा, आप अच्छा होने दो, अच्छा सोचो, बी प्रैक्टिकल, मन पे नेगेटिव स्थान मत दो। ज़्यादा समय अगर मन भाग रहा है इधर उधर, हनुमान चालीसा पकड़ के धूप का बत्ती दिखा के बैठ जाओ, 100 हनुमान चालीसा करके भेज दो उसके पास। बस और कुछ नहीं, धूप लगाना है, दिया लगाना है, बैठना है, और ये हनुमान चालीसा मेरे बहू के लिए, मेरा बेटा के लिए, मेरे परिवार के, मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ कुछ प्रभु, मेरे लिए मांगा तो स्वार्थी हो गया, फिर भक्त किस बात के। मैं भी पूजा में बैठता हूँ ना, तो कोई आके बोला होता मेरा बेटा नहीं है, थोड़ा बेटा करवा दो, कोई बोलता है मेरा ऐसा बीमार है ठीक कर दो, मैं उन्हीं के लिए प्रार्थना भेजते रहता हूँ, मेरे लिए नहीं बोला कि मेरे को भगवान मेरा बेटा नहीं है दे देना, मेरा बीमार ठीक कर देना, मेरा बिल्डिंग बना देना, मेरा कार बना देना, सब आके खड़ा है मेरे पास। एकदम हनुमान जी के शरण पे जलना है, मजा से रहना है। आपका ये मतलब जो मैं समझ रही हूँ कि अभी हम कुछ गलत और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ना सोचें, नो, खाली जब वो आए चुप करके उनकी बात सुने, उसमें भी हम लोग कोशिश करके पॉजिटिव बोले, और जो जैसे ये बोल रहे हैं वैसे ही हम बोले, और
उसको वहाँ खत्म कर। उनको जो आप बोले जो मैं समझ रहा हूँ, उनको बोले जहाँ हमें टेंशन है या कोई नहीं समझ, ऐसा कर दी वैसा कर दी, उसको SMS कर दी उसे कर दी, हमें नहीं पता क्या हुआ, हमें नहीं पता कुछ। टू दी पॉइंट फोकस, और कम शब्दों पे बोलना, और आपका बात का वेट होना चाहिए। वहाँ प्रवचन चालू नहीं करते ना बाबा बन के, मैं जैसे ये कर रहा हूँ ना प्रवचन नहीं देना है उधर, वो तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं, मैं अगर आप आपके पास, मैं किसी के पास नहीं जाता, किसी का घर में ज्योतिष देख, मेरा गुरु मना किया है। आपके पता नहीं क्या पहले का एक अलग अच्छा संबंध, एक संपर्क, एक रिश्ता, एक मातृत्व भाव है जिसके लिए मैं आया हूँ, नहीं तो नहीं आता। मैं बोलता मेरे ऑफिस में आओ, पूरे अपॉइंटमेंट लेके आओ, और वहाँ पूरे बातचीत भी पूरा राजनीतिक होता है। पांच शब्द से छठा शब्द नहीं कहूँगा, मानना है मान, नहीं मानना है नहीं मान, चल गेट खुला है और जा, ठीक है ना। तो आपको इतना सारा बात ये समझा रहा हूँ कि प्लीज़ मत बिगड़ो आप, और एक सीटअप पे नहीं, आप एकदम खुल के बोलना, एक सीटिंग पे नहीं, बात तो करते हैं, आओ खाओ पियो, संधि है, चलो दो साल के लिए संधि थे, एक साल के लिए, छः महीना के लिए हैं तो मित्र, आप बेटी दिए हो एक विश्वास पे, हम विश्वास पे खरा उतरेंगे, कोशिश तो कर रहे हैं, नहीं उतर पाए तो आपका कमी हमारा कमी, वो चलते रहने देना। खींचना है मैटर को, एकदम खींचना है, मस्त से खींचना है। निर्णय आपके तरफ से कुछ भी नहीं आए, ये लिख लीजिए पूरा डायरी का मेन पेज में, मैं कोई निर्णय नहीं दूंगा, एट एनी कॉस्ट नहीं दूंगा। जिस समय निर्णय पे ले पे आए ना, तो वहाँ पल्ला झाड़ के बैठ जाना, बोलिए आप, यानी बात समझ रहे क्या डिप्लोमेसी, मैं जो चाहता हूँ आप बोलोगे, मैं नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैं वार्ड निकल गया तो हार गया। मैं ये बोल दिया जिस पल की मैं ये चाह रहा हूं, उसी समय मेरा गेम पलटी होके मेरे तरफ पलड़ा भारी हो गया, चुप रहे। और दूसरा एक्सट्रीम स्टेज, बोलेंगे बात बिगड़ जाएगा, कोर्ट कचहरी तक चला जाएगा, लीगल इलीगल मैटर पे आ जाएगा, अगर किस्मत में लिखा है कोई रोक देगा, नहीं तो रोक सकता, माई का लाल पे दम नहीं है। मैं बोला ना हायर एजुकेटेड, यू नो छोटा मोटा नहीं, डिग्री इंजीनियर्स, IIT प्रोफेशनल्स दौड़ रहे हैं कोर्ट कचहरी पे, एक दिन दो दिन नहीं, कोई 7 साल से, कोई 12 साल से, कोई 24 साल से, बाल पक गया, ये शादी नहीं कर पा रही है, वो शादी नहीं कर पा रहा है, और दौड़ रहे हैं, हो रहा है। हाँ, लेकिन अभी एक चीज हुआ है कि विदाउट अच्छा से सोच, अच्छा से खोज विचार, अच्छा से काउंसलिंग नहीं करके नहीं कर। और अभी एक बहुत अच्छा कोर्ट का, एक बहुत अच्छा हमारे देश में निर्णय हुआ, जब भी वो लड़की कोर्ट में केस देने के लिए जाएगी भी, तो भी वरिड नहीं होना, 3 मौका दोनों को मिलेगा, 3 मौका, काउंसिलर्स, कोर्ट जज लिख के दे देंगे कि आप उनको फैमिली कोर्ट काउंसलिंग सेक्शन में ले जाओ, और दोनों पे काउंसलिंग होगा, प्रचंड काउंसलिंग होता है। वो जो लड़की है ना, उसका सारा हेंकड़ी एक ही दिन में निकल जाएगा, एक दिन में निकाल के रख देंगे, वो अपना मुंह बंद करके घर जाएंगे, और लड़का का गलती होगा उनको उसी से रिपोर्ट लिख देंगे, आप कितना छुपाओ नहीं छुपा सकते। वो वहाँ जो बैठे ना वकील, और अच्छा वो एक बढ़िया अच्छा मॉडल है, वहाँ वकील कम बैठते हैं, जज एक रहता है, वो भी न्यूट्रल जज रहता है, बाकी सोशल, जो सोशल फील्ड पर ऐसे फैमिली बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं ना, वो ये लोग रहते हैं, और उनको छाट छाट के रखा गया है, कौन सच कौन झूठ दोनों का रिकॉर्डिंग निकल गया, और दोनों को डंडा ठोक देंगे। तो इसलिए आप उतना टेंशन पे कहाँ, वकील कोर्ट कचहरी पे जा रहे हो, सामने वाले को डालने दो पत्ता, किटी पार्टी में आपको जीतना है तो पॉकेट में पत्ता रख के बैठो, ठीक है। बाकी प्लानिटरी पोजिशन खराब तो है, अभी कुंभ राशि वालों के लिए खराब है, स्पेशल बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं उस दिन भी बताने वाला था, जिस दिन वो लोग आए थे ना, हमारा भाभी वगैरह आए थे, मैं चुप रहा, जरूरत नहीं है बीमारी को आने दो, उससे पहले बोलो टेबलेट खा जाओ। नहीं, अभी 1.5 साल और बाकी है शनि का 7.5 का फास्ट फेज खत्म होने के लिए, 7.5 साल तक चलता है, लेकिन सब समय खराब नहीं चलता। शनिदेव आके तो मेरे को कार दे दिए, जिक्सर बाइक दे दिए, घर दे दिए, 14 लाख रुपया दे दिए, तो मैं कैसे कहूँगा 7.5 खराब पड़ा। हाँ, मार भी पड़ता है, इस प्रकार का प्रॉब्लम भी आता है,
नेगेटिव प्रेशर आएगा, मेंटल टेंशन आएगा। फिर जैसे अभी मेरा शनि साढ़े साती का बीच वाला चल रहा है, बीस योग, शनि और चंद्र एक साथ, मैं तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव सोचने वाला आदमी होता इस समय, सबसे ज़्यादा, क्योंकि शनि और चंद्र एक साथ अगर किसी का देख ले तो वो पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता, नेगेटिव ही सोचता। तो वो कंडीशन में मैं आपको समझाने, डोंट प्लीज, आप आगे तक मत सोचो, यहीं रहो, हनुमान जी को पूछ पकड़ो, कस के आग लगाओ, पूरा लंका जला के आ जाएंगे, ठीक है, आप आगे मत सोचो। और बी कसस फिर दिस, माफ़ी नहीं है बेटा, ये लिख लो, साढ़े साती का फास्ट फेज कोई माफ़ी नहीं पाया अपने को। ये प्रिलिमिनरी स्कूल है और तीन साल के बाद यूनिवर्सिटी पे जाओगे, ये मैट्रिक का एग्जामिनेशन चल रहा है, उस दिन भी बोल के गया था, कोई भी बोले कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, एकदम पैसा पीछे दबा के बैठो, एक रुपया इन्वेस्ट नहीं करना नया प्रोजेक्ट पे, ये लिख लो। दो दो भयंकर प्लैनेट बैठे हैं खर्चा के घर पे, प्लेस ऑफ लॉस ट्वेल्थ हाउस पे शनि जैसे सबसे बड़ा प्लैनेट एंड जुपिटर जैसे सबसे बड़ा प्लैनेट बैठे हैं, और ये जो दो प्लैनेट बैठे हैं ना, मैं जानता हूँ तुम नहीं रोक सकते वो खर्चा बढ़ा देंगे, लेकिन वो खर्चा अच्छे काम पे जाए, कोर्ट कचहरी वकील और लीगल मैटर पे नहीं जाए, कोई नया प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट मत करो, कुछ भी नया काम करने के लिए इस समय मत सोचो, लेकिन प्लैनेटरी एनर्जी तुम्हें सोचवाएगा करवाएगा, और इसके लिए तपस्या चाहिए होता है कि हम संभाल लें। मैं नहीं सका था, मैं एकदम ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं अपना खर्चा को जब जुपिटर इन माई प्लेस ऑफ लॉस पे था, मैं भी नहीं रख पाया, खर्चा हो ही गया, लेकिन अच्छे रास्ते पे खर्चा, गलत पे जाने नहीं दिया, तो होगा। लेकिन ये दिमाग में आ जाए ना, यही तो है जानकारी, हम लोग ज्योतिषी क्यों सीख रहे हैं या ज्योतिषी क्यों करते हैं कि बेटा आगे तैयार हो जा, ये एग्जामिनेशन है, हाँ। गलती होगा, गलती कराएगा, शनि करवाता है, खर्चा बढ़ाएगा, गलती कराएगा, और ट्वेल्थ हाउस जब एक्टिवेट हो जाता है, इस समय किसी से मुफ्त का कुछ भी लेना नहीं, लाना नहीं, देने का भी कोशिश नहीं करना, देना है तो एक ही तुम्हें दिखा दिया हूँ, पीपल का वृक्ष, जो देना है उसे दे देना। छाया पात्र का दान बहुत जरूरी होता है इस समय, लोहे का कटोरा 8-10 खरीद लो, या जो भी तुम्हारा दम है खरीद कर रखो, तेल सरसों का तेल या तिल्ली का तेल, चेहरा देख लेना, शनिवार आज शाम है, आज बहुत अच्छा दिन है, दिया जला देना और तेल का कटोरा वहाँ छोड़ के आ जाना, आने का टाइम में पीछे घूम के नहीं देखना, देखो और हाथ देगा, दिया है देता है, मेरे को भी दिया था, छोटा सा चीज़ है लेकिन इफेक्ट बहुत है। जो भी देना है वो शनि मंदिर वहाँ पर है, जो बाहर खाने के लिए आ जाते हैं उनको कुछ खाने पीने के लिए तो ज़रूर देना, शनिवार को शनिवार, अगर लेप्रोसी कहीं मिल जाए और बेहतर, तुम्हारा अंडर पे काम करने वाला नौकर वर्कर अगर शूद्र हों, एसटीएससी सिविल टाइप हैं, सम्मान देना बेटा, कभी उनके अंदर ये भावना नहीं रखना कि ये मेरा नौकर है, पेमेंट बाकी है बाकी नहीं करना, तुरंत पेमेंट दे, ये सब शनि के साढ़े साथी में समझ जाना जरूरी है, ठीक है, इन बिंदुओं पे ध्यान दें, इम्पोर्टेंट पार्ट, पैर का तलवा रगड़ के साफ करना नहाने का टाइम में, उसके लिए सेपरेट ब्रश खरीद लो, पैर का मैल ये सबसे ज़्यादा मार देता है आदमी, रात को सोने का समय पैर पे तलवा पे तेल लगा के सोना, तनाव से मुक्ति देगा, दिमाग को ठंडा रखेगा, क्योंकि जुपिटर ट्वेल्थ हाउस में है, थोड़ा सा केसर का या हल्दी का तिलक माथे पे लगा के दुकान पे बैठना, चंदन भी लगाया जा सकता है, ठीक है, ये कुछ रूल्स फॉलो करना, ये बेसिक बता दिया, आगे चल के और भी बताऊंगा, ज़्यादा बताने से हजम नहीं होगा, और जब भी प्रार्थना करते हो पीपल के वृक्ष के नीचे या हनुमान चालीसा, एक दो पे नहीं होगा, करते रहना, शाम को भी करते रहना, और शनि का होरा का टाइम है शाम को 5:30 से लेके 8 बजे तक, जो भी दान दक्षिणा पूजा पाठ हनुमान चालीसा दिया जलाना इसी समय सैटरडे को, और सुबह तब करना है जब लोग नहीं उठे हों, तुम्हें नहीं देखे हों। मेरा गुरुदेव बोलते हैं तुम्हारा पूजा पद्धति पाठ अगर कोई और देख लिया तो उसके साथ लिंक कट गया, तो वो होना चाहिए कि सुबह सुबह जाके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पर रहना है, और उस दिन बोल के गया था आज फिर बोल रहा हूँ, न्याय न्याय,
मैं अब इनसे कट के तुम्हें बात कर रहा हूँ, शादी कौन किया है, बीवी किसका है, मैं कभी देखा नहीं, मुझे कभी बुलाया नहीं, मैं उसे नहीं जानता हूँ। बुरा हो या अच्छा, किसका माथे, ठीक है। जीवन का 46 साल के ज्ञान, शनि क्या है, बोला संजय पंडा कराटे मास्टर, लात मार मार के सिखाते हैं, अभी तो उसी के यूनिवर्सिटी पे आ गए। ये शिलोंग सार नहीं है, शुक्र महादेव, शुक्र ग्रह नहीं है, जुपिटर क्या वेनस, तो डांस सिखाएगा नहीं, ये ठोक के सिखाएगा, ठीक है। तो न्याय, किस्मत तुम्हारा, बीवी तुम्हारा, सोच तुम्हें, और विश्व ब्रह्मांड का एक ही मात्र अस्त्र है जो सभी अस्त्र को काट दे, जो सभी मैटर को सॉल्व कर दे, वो क्या है, प्यार। वो तो औरत है, वो तो लड़की है, किस्मत तुम्हारा है, अग्नि को साथी करके लाए हो, कितना भी खराब निकले या अच्छा निकले, है किसका, अब पकड़ लो, घोड़ी खरीद के ले आए, नहीं चल चला पाए, घोड़ी का तो कसूर है तुम्हारा, तुम लगान नहीं पकड़ पाए, तो अपने को प्रिपेयर करना उसके, हाँ अपने को प्रिपेयर करो उस केसेस के लिए, क्योंकि यहाँ हार गए ना तो जिंदगी हार जाओगे। जिंदगी से भागने का नाम जिंदगी नहीं है, फेस करना है। मेरे साथ या मेरे मित्र के साथ जब हुआ तो मैं बोला यार क्या करना है, जेल चलो, क्या कोर्ट कचहरी चलो, क्या करना है, नचवाना तो तुम्हें है, समझो, नचवाना तो तुम्हें है और तुम्हारे सिग्नल पे ही नाचेगी, लेकिन नचवाने के लिए जानो तो ना, समझ रहा है। अब ये धरती पे ध्यान देना क्या बोलता हूँ, तुम और हम तो इंसान मात्र हैं, शिव भगवान जानते हो, शिव भगवान हिमालय पे रहता है, गंजाम जो पीता है, त्रिशूल पकड़ता है, अपना बीवी को 5 बार समझाया मत करो टेस्ट राम को, लेकिन पार्वती नहीं सुनने वाली थी, फिर बोला बाप का घर मत जाओ, कौन शिव भगवान बोले, पार्वती चली गई आग में कूद पड़ी मर गई। राम हमेशा समझना, सीता माता को एजुकेटेड, हायर एजुकेटेड, MBBS क्या क्या पढ़ी होगी उस समय, सोने का हिरन नहीं होता है भाई, नहीं मेरे को चाहिए सोने का हिरन ही चाहिए, चोरी हो गया, फिर हम लोग कौन है जो भगवान फेल है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, यहाँ माँ बाप पीठ पे नहीं पड़ने वाले, अभी अपने कमांड खुद को पकड़ना है, आपको भी डिप्लोमेटिक बनना है, आप भी प्यार से बात करोगे, सोच समझ के बात करोगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करोगे, आपके धर्मपत्नी का, बेबी का, जो भी आप समझते हो, पूरे ज्ञानपूर्वक न्यायपूर्वक, और क्योंकि बात बिगड़ा हुआ है तो साइलेंसली बात करते करते प्रेम के धरातल पे लाना है, धोखा भी देना है तो प्रेम से दो, गलत ज्ञान दे रहा हूँ, शनिवार का दिन है, ठीक है ना, हाँ इस समय ये नहीं बोलना मेरा बात, माँ कोई नहीं आने वाला है, मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस से, माँ बाप का भी कोई यहाँ पर आगे काम नहीं देगा, तुम्हें ही संभालना है कमान, अगर बात नेगेटिव के गया तो उस समय इनको भी बोलेंगे दूर में बैठो, लड़का से बात करना, और उस समय तुम्हारे पास बिजनेस दिमाग नहीं चलेगा, एकदम प्रेम प्रेम लव, लेकिन ये लव लव बोलने से नहीं होगा, वो हृदय से निकालना पड़ता है, उस भावना को तब जीत सकते, नहीं तो ये केसेस में टेक्निकल डिप्लोमेटिक लीगल ये काम में नहीं आता, किसी का नहीं आया, और इसके लिए उसका शरण पे जाना ही पड़ेगा। ओवर।